मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त सिलसिले में। आपकी डायरेक्ट बात करवाता हूँ मंजर इकबाल साहब से, जो 61 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है और उनका तूफानी दौरा तमाम पुलिंग स्टेशन पे चल रहा है। हर जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं। चलिए हम उनसे डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। आप तो पुलिंग स्टेशन पे जा भी रहे हैं, 3-4 राउंड आपको ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। अभी आप अपने दफ्तर में बैठे हुए लग रहा है कि इत्मीनान सुकून के साथ आप बैठे हुए, कोई भी किसी किस्म की दिक्कत परेशानी नजर नहीं आए, इसकी क्या वजूहत है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं मंजर इकबाल साहब। एक ही वजह है ममता बनर्जी जी। हमने जिंदगी में पहला बार म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में एक चीफ मिनिस्टर का हवा को देखा जी, जी, जी। और उनका जो योजना है वो योजना जो जब दिया गया सब जगह बांटा गया है, यहाँ तक कि लक्ष्मी भंडार शास्त्रो साथी, इससे का एक बहुत बड़ा असर है इलाके में और लोग ममता बनर्जी को भूल नहीं। उसने एक चीज और होता है कि ममता बनर्जी का योजना भी है और साथ में हम भी जो हमसे हो सका हमने अपने वार्ड में मेहनत किया, वर्क किया पब्लिक का, ये दोनों मिल जाने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि एक तूफान सा आ गया। जी जी जी, दूर दूर तक मैं देख रहा कोई अपोजिशन नहीं है, कुछ नहीं है और वो लोग पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठा पाए हैं। नहीं, उन लोग के पास लोग नहीं, वो क्या करें। आज हर नौजवान जो अभिषेक का चाहने वाला है, हर जो हम लोग के एज का है या मिडिल एज का आदमी, ये लोग ममता बनर्जी को चाहते हैं। औरतें खास करके, चाहे वो जवान हो बूढ़ी हो जो भी हो, वो ममता बनर्जी को चाहते। तो आपको आदमी अगला को कहाँ से मिलेगा? वार्ड से तो आपको आदमी ने कहा, तो वार्ड में एक अभिषेक का जो प्रचार और ममता बनर्जी का जो भंडार है, इसको पब्लिक कभी फरामोश नहीं करेंगे। और हमको यकीन है कि इस बार हमको बहुत ज़्यादा वोटों से जीत नसीब होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजर इकबाल साहब। अब और भी दिगर हलकों में जाएंगे तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। और उन्होंने एक बड़े पैमाने पे एक जुमला बोला है कि इस बार जो इनकी जो मार्जिन है बड़े पैमाने पे होगी, बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। शुक्रिया मंजर इकबाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।